तो भाई ये है अपने एग्जॉर का हेलमेट, और जिसका प्राइस है सिर्फ 3500। स्पॉइलर देखो भाई, जिन जो लोग पूछ रहे थे कि भाई बड़ा स्पॉइलर मिल जाए, तो यार ये देखो पैडिंग जो है बहुत बढ़िया है। अगर कोई मोटो व्लॉगिंग के लिए भी लेता है, वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट्स है, क्योंकि इसका जो विंड प्रोटेक्शन है बहुत बढ़िया है। पैडिंग जो है यहाँ पर एक बटन दिख जाता है, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपको सन वाइजर देखने के लिए मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। जो इसका स्पॉइलर है, ये एग्जॉर ने भी नया लॉन्च करा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई बहुत सारे लोग एक बजट हेलमेट मांग रहे थे जो कि 3 से 3500 के बीच में आ जाए और जिसकी लुक भी बहुत खतरनाक हो। तो ये आ गया हमारे पास एग्जॉर का हेलमेट, जो कि लुक वाइज बहुत बढ़िया है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली स्टील वर्ड का दिखाया था, SBA 20, वैसा ही है बिल्कुल लुक में। और भाई एग्जॉर आपको पता ही है, क्वालिटी जो होती है ऑप्टिम होती है। और इसका जो प्राइस है ना, सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये है। इसका मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अपना यार कम बता रहे हो प्राइस। तो मैं इसके अंदर बिल भी दिखाऊंगा और हेलमेट भी दिखाऊंगा आपको। और जो लुक है भाई बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को स्टील बर्ड SBA 20 की, जो कि अभी वायरल चल रहा है, उसकी अगर लुक पसंद है लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं पसंद है, जैसे कि मैं, कि क्वालिटी मुझे कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, तो उनके लिए है ये हेलमेट, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स ओपन इट। तो भाई ये है इसका बॉक्स, और दोस्तों बॉक्स पैकेजिंग वगैरह से ही पता चल जाता है हेलमेट की क्वालिटी क्या है। तो भाई ये हमारा खुल गया है बॉक्स, और ये है हमारा एग्जॉर का हेलमेट, ठीक है? ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसको मैं अभी पहले साइड में रखता हूँ, बॉक्स को नीचे करके। सबसे पहले मैं आपको बिल दिखा देता हूँ दोस्तों। और भाई ये है इसका बिल, ठीक है? तो दोस्तों ये देखो इसका बिल है, ये 3500। आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये 3500 का कैसे मिलता है एट दी एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है? तो पहले कर तो बिल को रखते हैं साइड में और करते हैं आप अनबॉक्सिंग इस हेलमेट की। तो भाई सबसे पहली बात, इसके साथ आपको ये बैग भी देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एग्जॉर का जो मॉडल है दोस्तों, वो मैं पर्सनली खुद 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और अब ये अपडेट हो गया है। इसके अंदर का जो पीछे का जो स्पॉइलर आता है, वो अब काफ़ी बड़ा मिलने लग गया आपको। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और भाई ये है हमारा एग्जॉर का नया हेलमेट, जो कि है पूरा का पूरा ग्लॉस ब्लैक। तो भाई ये बैग को रख देते साइड में। तो भाई ये है अपने एग्जॉर का हेलमेट, और जिसका प्राइस है सिर्फ 3500। स्पॉइलर देखो भाई, जिन जो लोग पूछ रहे थे कि भाई बड़ा स्पॉइलर मिल जाए, तो यार ये देखो बड़ा स्पॉइलर मिल गया है। और भाई लुक वाइज बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो दोस्तों ये है एग्जॉर का एपेक्स, जो कि है पूरा ग्लॉस ब्लैक। आई होप आपको लुक दिख ही रही होगी, भाई लुक वाइज बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ आपको मिल जाता है डबल डी रिंग, जो कि दोस्तों सेफेस्ट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू हेलमेट लॉक, ठीक है? और इसके साथ आपको थोड़े बहुत स्टिकर वर्क देखने के लिए मिल जाते हैं एग्जॉर का, राइट? उसी के साथ आपको एक छोटा सा स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है, और ये आपके ब्लड ग्रुप, जो कि आपको हेलमेट पे लगाना चाहिए, इनके साथ फॉल लोगों को बताओ कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये चीज़ है। बाकी दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ ये है, पैडिंग वगैरह अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई देख सकते हो पैडिंग जो है बहुत बढ़िया है। अगर कोई मोटो व्लॉगिंग के लिए भी लेता है, वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट्स है, क्योंकि इसका जो विंड प्रोटेक्शन है बहुत बढ़िया है। पैडिंग जो है बहुत डेंस पैडिंग है। उसी के साथ दोस्तों इसका जो चिन से प्रोटेक्शन मिलता है ना एयर का, वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो विंड ब्लास्ट बहुत कम होता है। बाकी दोस्तों अगर मैं इसको खोलूँ तो भाई ऐसे ऐसे कुछ लुक है। और दोस्तों जो इसकी पैडिंग है ना, ये मैं आपको पैडिंग भी खोल के दिखा देता हूँ, उसको वाइजर अंदर करते हैं। तो पैडिंग जो है इसकी आपको पूरी यहाँ पर पैडिंग देख सकते हो दोस्तों, पूरी डिटैचेबल पैडिंग है, और तो रिमूवेबल पैडिंग है दोस्तों। मैं तो खुद 2 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से। तो भाई बहुत बढ़िया है पैडिंग वगैरह इस बजट में, भाई इससे बढ़िया हेलमेट और क्या ही होगा, ठीक है? तो पैडिंग जो है रिमूवेबल है, तो आप आराम से रिमूव करके धो सकते हो, ठीक है? उसी के साथ साथ दोस्तों जो अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको, वो मिल जाता है इसके साथ, आपको सनवाइजर दिखता है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक बटन दिख जाता है, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो आपको सनवाइजर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसी के साथ साथ दोस्तों वाइजर वगैरह चेंज करना है तो बहुत ही इजी है, बस आपको इसको प्रेस करके इसको लिफ्ट करना है, तो ये इसका जो वाइजर है वो भी बड़े प्यार से निकल जाता है। तो इसके साथ आपको ड्यूल वाइजर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, अंदर जो है सन वाइजर देखने के लिए मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। जो इसका स्पॉइलर है, ये एग्जॉर ने भी नया लॉन्च करा है, ठीक है? 400 रुपये कॉस्ट आती है अगर आप करंट हेलमेट में लगाते हो तो बहुत ही अच्छे से एरोडाइनमिक्स को देखकर ध्यान में रख के बनाया गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वेंटिलेशन अगर दिखाएं दोस्तों, तो आपको फ्रंट में ही आपको यहाँ पे एक वेंट दिख जाता है, जो कि एडजस्टेबल आराम से खोल बंद कर सकते हो, ठीक है? अगर आप मोटो व्लॉग करना चाहते हो, यहाँ पर आप अपना माउंट लगा सकते हो, बहुत अच्छा स्पेस दिख जाता है। ऊपर की अगर हम बात करें,
तो ऊपर भी आपको वेंट्स देखने के मिल जाते हैं जो कि खुले और बंद जाते हैं आराम से। उसी के साथ साथ दोस्तों पीछे जो है आपको एग्जॉर की ब्रांडिंग दिख जाती है। और ये जो हेलमेट है दोस्तों ये है DOT सर्टिफाइड और उसी के साथ ISI सर्टिफाइड। DOT जो होता है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का जो है हेलमेट की रेटिंग है जो कि बहुत बढ़िया है, और ये ISI अपने इंडिया का है, तो इन चीज़ों के हिसाब से ना बहुत बढ़िया है। और दोस्तों उसी के साथ साथ ना ये हेलमेट जो है आप 140 चलाइए, 150 चलाइए, 160 चलाइए, आराम से चलाइए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता। ये हेलमेट बिल्कुल भी हिलता नहीं है, बबल नहीं करता है हाई स्पीड पर। और आपने देखा होगा यार एग्जॉर तो मतलब मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ मोटोब्लॉग मैं खुद करता हूँ, आप चेक कर सकते हो चैनल पर हमारे ब्लॉग्स। तो इन टर्म्स ऑफ मोटोब्लॉग हाईवे राइड्स बहुत बढ़िया है। और दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हेलमेट की कॉस्ट आपके सर की कॉस्ट है, तो आपको कभी भी ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए भाई हेलमेट के लिए, तो ऑफकोर्स ठीक है। क्योंकि यार देखो आप 2,500 का हेलमेट लेना चाहते हो, उससे बढ़िया आप ये ले सकते हो, 3500 रुपये का हेलमेट है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 3500 रुपये का हमको कैसे पड़ा है, ठीक है। तो भाई देखो जो इसका वाइजर है, ठीक है, ये है वाइजर, क्लियर वाइजर है, इसके साथ आपको दिखता है पिन लॉक, ठीक है, पिन लॉक जो आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि होता है कि भाई ठंड में अगर आप राइड कर रहे हो तो फॉग वगैरह आपको नहीं लगता है। इसलिए हमने क्या करा दोस्तों, इसका जो पिन लॉक था वो हटवा दिया, क्योंकि उसकी अभी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में आने वाली है गर्मी और जब लगाना होगा तब आराम से लगवा लेंगे, ठीक है। तो भाई वो हमने निकलवा दिया और इसकी जो हमारे को कॉस्ट पड़ गई वो पड़ गए सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज़। और 3500 रुपीज़ के हिसाब से जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अगर दोस्तों मैं वेट की बात करूँ तो 1600 ग्राम जो है इसका वेट है, और जब आप इसको लगाते हो पहन के चलाते हो तो भाई लोग देखते हैं पूछते हैं भाई कि कौन सा हेलमेट है, तो लुक वाइज वगैरह ना बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। और उसी के साथ साथ ये जो महंगे हेलमेट होते हैं दोस्तों, अच्छे हेलमेट होते हैं, इनके साथ आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि हमने वाइजर की बात करी, उसी के साथ साथ हमने दोस्तों सन वाइजर की बात करी, राइट, यहाँ से आपको बटन मिल जाता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों अंदर आपको दिख जाता है इंटरकॉम के लिए भी पॉकेट, तो इन फ्यूचर अगर आप इंटरकॉम भी लगाते हो तो भी बहुत प्यार से आराम से ये लग जाता है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी लुक ज़्यादा अच्छी लगी, स्टील बर्ड SBA 27 विंग्स की या फिर अपने एग्जॉर की। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का कंपैरिजन आ रहा है साइड बाई साइड, इसमें दोनों की लुक दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह रह जाता है वो ज़रूर बताना। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो दोस्तों, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।